हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गेमिंग साइड। और गाइस कैसे हो आप सब लोग। फार्मिंग सिमुलेटर 23 के एक और लेट्स प्ले के गेम प्ले में आप सबका वेलकम है। और गाइस यहां पे अभी मैं गेम में आया हूं और थोड़ा सा मैंने टाइम स्किप किया है, सो आई जस्ट रियलाइज्ड के यहां पे ना ये वूल की जो है वो कैपेसिटी फुल हुई पड़ी है। और अभी हमें जो है ये वाले पैलेट्स जो है वो सारे ये मूव करने पड़ेंगे यहाँ से। ऑलराइट, सो अभी पिछले गेम प्ले में मैंने जो है वो कुछ सजेशंस मांगी थी एंड कुछ लोग तो कह रहे थे कि भाई ये चीज़ें अपग्रेड कर लो, कुछ लोगों ने कहा कि फील्ड बाय कर लो। और मेरा अपना भी माइंड सेट थोड़ा सा था कि मैं फील्ड ही जो है वो न्यू बाय करूँगा। सो आज के गेम प्ले में फ़िलहाल के लिए तो मेरा प्लान यही है कि हम लोग जो है वो कोशिश करते हैं अगर इतने पैसे हो पाए कि हम लोग जो है वो एक फील्ड परचेज़ कर लें, एक या फिर एक से ज़्यादा भी, और डिपेंड्स कि हम आज कितने पैसे जो है वो कर पाते हैं। और क्योंकि हम मैंने आप लोगों को बोला था कि जो प्रोडक्शन है बेसिकली वो काफ़ी अच्छी अभी चलनी चाहिए टेक्निकली, क्योंकि हमने जो है वो अब कॉटन भी वहाँ पे अनलोड करनी शुरू कर दी है स्पिनरी के ऊपर। सो पहले सिर्फ और सिर्फ वूल थी, अब हम लोग जो है वो स्पिनरी के ऊपर कॉटन जो है वो भी अनलोड करते हैं। सो प्रोडक्शन फैब्रिक की जो है वो अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही साथ जब फैब्रिक की प्रोडक्शन अच्छी होगी सो दैट डेफिनेटली मीन्स, मेरे ख्याल से मैं मीडियम ग्राफिक्स पे गेम खेल रहा था ताकि फ़ोन ज़्यादा गर्म ना हो, तो चेंज करना भूल गया ग्राफिक सेटिंग्स। ओके यार, ये सारे क्यों नहीं उठाता एक ही साथ, ये तो काम ख़राब है भाई। चलो कोई बात नहीं, हम इधर से ट्रैक्टर को मोड़ देते हैं। उठा ले भाई, ये जो रह गए ये भी उठा ले यार, क्या कर रहा है। ये दो रह गए हैं जी, इसको भी उठा ही लेते हैं। अबे अबे यार पहले तो उठाने के चक्कर में मैंने पता नहीं टोटली डिस्कनेक्ट कर दिया। ओके जी, सो ये पैलेट्स अभी यहाँ पे भरे पड़े थे तो बड़ी नोटिफिकेशन आ रही थी, बड़ा जो है वो यहाँ पे तंग कर रहे थे यार ये। तो मैंने सोचा कि ये काम तो हम एक दफ़ा पहले कर लेना, बाकी बात में जो है वो होते रहेंगे काम। तो यहाँ पे जी थोड़ा सा फर्स्ट पर्सन भी ड्राइव कर लेते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई फर्स्ट पर्सन में तो ड्राइव ही नहीं करते, तो ये भी थोड़ा सा कर लेते हैं। अभी ये इनको हम लोग जी स्पिनरी के ऊपर फेंकने जा रहे हैं, और अभी तो यही सीन हुआ पड़ा है कि जितने हो गए हैं ना हमारे पास पैलेट्स, तो अभी फेंकने वाले ही सीन है। वैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ कि स्पिनरी बाय करके कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि कॉटन की जो बेल है ना वो वैसे ही बड़े पैसे दे जाती थी, तो वूल से तो डेफिनेटली क्लॉथ बनाना काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, लेकिन कॉटन से बनाना शायद मेरे ख्याल से इतना प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि कॉटन की बेल बजाते खुद जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी बिक जाती है। खैर थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबल हो गई अब कॉटन से, यह तो नहीं होने वाला कि कॉटन बेचना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो और कॉटन की जो वैसे दूसरा है वो मतलब कि नुकसानदेह हो, तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होने वाला है। एनीवेज स्पिनरी के ऊपर जी हम यहाँ पे पहुँच ही चुके हैं तकरीबन, और आप लोगों को याद होगा कि हमने इसका जो आउटपुट मोड है वो हमने लगा रखा है डिस्ट्रीब्यूटिंग पे, ठीक है। सो जैसे ही इसमें फैब्रिक बनता है ये फौरन जो है वो टेलर शॉप के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। सो ये मेरे ख्याल से एक काफ़ी ज़्यादा जो है वो लाइफ सेविंग फीचर है इस गेम में, लाइफ सेविंग बोल लो टाइम सेविंग बोल लो एक ही बात है, बट यस है तो सही। सो मैं तो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा उस टाइम से है ना सेटिस्फाई हूँ। और अभी गाइस मैं टू बी ऑनेस्ट मज़ीद प्रोडक्शंस जो है वो सोच रहा हूँ कि अभी मैं नेक्स्ट कौन सी प्रोडक्शन स्टार्ट करूँ जो थोड़ी यूनिक भी हो, मैंने पहले कोई इतनी की भी ना। अरे वाह 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 क्या बात है भाई, ये हुई ना बात। अभी यहाँ पे देखो कैसे डब्बे भर भर के हमारे पास जो है वो आ रहे हैं क्लॉथ्स के, तो ये सारी मतलब कि है ना पैसे पूरे हो गए। बस यार ये है ना इस टेलर शॉप के बड़े मसले मसाइल हैं, ये ना इसके लोडिंग की कोई जगह नहीं है प्रॉपर,
मतलब ये देखो अभी लिटरली यहाँ पे ना जलील होने वाली बात ही है। इसको रिवर्स करने की कोशिश करता हूँ किसी तरह से, अगर हो गया तो। आया तो था। अबे यार अगर वो ऑप्शन आ, शुक्र है। तो ये बस इधर लोड करना अनलोड करना सारा कुछ ही भी मुश्किल है, सीधी सी बात है। बड़े प्रॉब्लम है इसके साथ। लोडिंग एरिया भी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कितना ज़्यादा मतलब कंजेस्टेड किस्म का है, और अनलोडिंग एरिया वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो दोनों ही मतलब कि एक से बढ़ के एक है। तो अनलोड करते वक्त तो अब हमारी जो है वो प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है अनलोडिंग की, लेकिन अब ऑफ कोर्स के लोड करना हो तो अभी हमें मैनुअली है, क्योंकि अगर हम इसको सेलिंग पे लगाते हैं तो फिर ये अपनी मर्ज़ी के मंथ में जो है वो सेल कर देगी और डेफिनेटली हमें इसका जो है वो सारे का सारा लॉस ही होगा, फ़ायदा तो कुछ होने नहीं वाला। अभी भाई सीधी सी बात है, मैं आप लोगों को ये बताऊं कि अभी हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम ये क्लॉथ्स ही हैं, क्योंकि फार्मिंग जो है वो हमने अपनी ख़त्म कर ली है टोटली, और अब हम मज़ीद फार्मिंग जो है वो इस कैरियर में नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने हार्वेस्टर जो है वो अपनी सेल कर दी है। एंड दिस इज़ दी ओनली ऑप्शन वी हैव अगर हमने पैसे कमाने हैं, तो हमें जो है वो क्लॉथ्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अबे भाई ये क्यों नहीं अनलोड हो रहे? लो जी अजीब ही सिस्टम है यार इसका। चलें जी हो गए जी ये सारे अनलोड। अच्छा जी ये है ना बड़ा गंदा हो रखा है यार, ये ट्रेलर भी और ट्रैक्टर दोनों चीज़ें, तो इसको एक दफ़ा मैं तो बोल रहा हूँ कि धुलवा आता हूँ। मतलब बिल्कुल ही बहुत ही बेहुदा मतलब कि गंदे हुए पड़े हैं। हालांकि इसके ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ पैलेट्स रख रहे हैं वूल वाले, लेकिन फिर भी ये इतना गंदा, इसको समझ में नहीं आता मतलब साफ़ सुथरी सी चीज़ें। अच्छा बिसाइड्स दैट मुझे अभी याद आया, हमने तो यहाँ पे ऑल सनफ्लावर क्या नाम था यार उसका, कनोला ऑयल, इसका तो मैं टोटली भूल ही गया यार। वाह हाउ फॉरगेटफुल आई एम। और मुझे लग रहा है कि ये प्रोडक्शन काफ़ी देर से रुकी पड़ी होगी, क्योंकि स्पेस जो है वो है ही नहीं, स्पेस की वजह से जो है वो रुकी पड़ी होगी। अबे यार इस प्रोडक्शन का मैं टोटली भूल ही गया, व्हाट द हेल। चलो आने दो अभी और आएंगे, ये डेफिनेटली काफ़ी देर से नहीं करो यार। हम मुझे तो क्योंकि याद नहीं आ रहा था। कनोला ऑयल क्या है जी यहाँ पे? ओके अभी फ़िलहाल तो प्रोडक्शन जो है वो इसकी, यस 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 आउट ऑफ स्पेस। तो ये देखो जगह ना होने की वजह से हमारी जो प्रोडक्शन रुकी पड़ी थी। वाह सो मतलब मैंने तो ये अच्छा खासा जो है वो, वैसे इसकी प्राइस कहाँ पे हाई होती है कनोला ऑयल की? लेट मी सी इट्स प्राइस फर्स्ट ऑफ ऑल, कनोला ऑयल, और अभी ये 4500 चल रहा है, दैट मीन्स कि इसकी प्राइस होगी नवंबर में हाई, और अभी चल रहा है अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2 दिन बेसिकली हमें जो है वो यहाँ पे स्किप करने पड़ने हैं। अच्छा जी 1 2 3 4 5 6 पूरे हो गए हैं जी, अभी मज़ीद यहाँ पे निकलेंगे लेकिन वो हम कलेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये स्पेस जो है वो पूरी हो चुकी है। ओके सो इसका मतलब है कि अभी हम लोग नवंबर तक का जो है वो वेट कर सकते हैं। सो 2 दिन यानी कि मैं मज़ीद चाहूँ तो स्किप कर सकता हूँ, दैट्स रियली रियली इंटरेस्टिंग। तो चलो फिर हम 2 दिन स्किप कर लेते हैं, अगस्त है, सितंबर अक्टूबर 2 दिन बस हमने जो है वो स्किप करने हैं किसी तरह से, और ये वाले जो कनोला ऑयल है फिर हम लोग जो है वो सेल कर लेंगे, ये पैसे आ जाएंगे। क्योंकि मैं रियली मैं आज चाहता हूँ कि मैं कोई नया फील्ड जो है वो बाय करूँ, ऐसे तो मज़ा ही नहीं आएगा ना। हम मतलब ऐसे गेम प्ले अगर मैं डाल देता हूँ, कुछ अचीवमेंट हो ही ना आज के गेम प्ले की, तो फिर उसका तो फ़ायदा ही कोई नहीं। लेट्स सी सितंबर। अबे यार क्या है, 100 लेने दे। नहीं भाई ऐसे नहीं मानेगा ये।
और ये हार्वेस्टिंग मैंने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि फिर बाद में ना यार, मैं अभी ग्राइंडिंग वाला स्टेज बेसिकली हमारा निकल गया है, तो अब मैं जो है वो एक पीरियड के मुताबिक ही चलता हूँ। पहले एक एक टाइम पे ही सब कुछ प्लांट कर लेता हूँ, फिर इकट्ठे टाइम जो है वो स्किप करना मुझे पसंद है। ओके, अक्टूबर आ चुका है, सितंबर में काफ़ी अच्छी लाइटिंग थी, अब गेम की लाइटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेरेबल होने वाली है, विच रियली रियली सक्स। एनीवेज, लेट्स सी के क्या सीन होता है यहाँ पे अभी इसकी प्राइसिंग का। और यस, डेफिनेटली लाइट तो जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी है। सो 90x हमने जो है वो यहाँ पे टाइम कर लिया। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, वूल फिर से प्रोड्यूस कर दी काफ़ी ज़्यादा शीप ने। और ये मतलब के प्रोडक्शन आप चेक कर सकते हैं, अभी सिर्फ हमने ले दे के जो है वो 2 ही दिन स्किप किए थे, और आप लोगों के सामने ही है सारी की सारी प्रोडक्शन। अच्छा जी, तो होपफुली यहाँ पे जो प्राइसेस है ना, तो ये इसकी सुपर मार्केट के ऊपर ही हाईएस्ट होनी चाहिए। नहीं है, फार्मर्स मार्केट पे है, लेकिन फार्मर्स मार्केट यहाँ पे दूर बहुत निकल जाती है। सो आई गेस के हम यहाँ पे ही सेल कर लेते हैं, इतनी थोड़े से पैसों के लिए इतनी दूर जाने का क्या फ़ायदा। ओके, 34, ये सारे बिके हैं, 34 34, 68,000 डॉलर्स हमें ये सीधे सीधे गाइस मिल चुके हैं। और वूल जो है वो पैलेट्स वो भी सारे यहाँ पे हो चुके हैं फुल, जितनी भी कैपेसिटी बनती थी। और इस बार बड़ी स्पीड मारी है यार इन्होंने, मतलब लिटरली आई एम सरप्राइज्ड। ये शीप प्रोडक्टिविटी इनकी क्या चल रही है? ओके, ये देखो इसके काम के जब बिल्कुल इसके करीब आते हैं। हाँ? अरे भाई कैसे, 1 2 3 4 5 6 पूरे हो गए, वाह। तो ये एनिमल्स की अगर हम चेक करें तो ओके ओके ओके, हेल्थ 100%, प्रोडक्टिविटी भी 100% है, वाह। तभी इस दफ़ा जो है वो काफ़ी जल्दी जल्दी इन्होंने जो है वो निकाल दिए ये वूल के पैलेट्स, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम हो गया। अच्छा जी, लाइट अब यहाँ पे ख़राब होती जा रही है, सो मैं थोड़ा सा यहाँ पे टाइम जो है वो पास कर दूँगा ताकि शाम ही ना हो जाए और सारा जो है वो मज़ा ही ना बर्बाद हो जाए गेम प्ले बनाने का ही। ऊपर से मेरे लैपटॉप की बैटरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो चुकी है, ऑडियो मैं जो है वो अपना इस वक्त लैपटॉप के ऊपर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मुझे उसका भी डर है कि वो ही ना बंद हो जाए। आई डोंट नो, अच्छा खासा मेरे ख्याल से मुझे याद भूल गया था गाइस इसको चार्जिंग पे लगाना, और अब मैं ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग इसको चार्ज भी नहीं कर सकता, मतलब इसका चार्जर जो है वो किसी दूसरे रूम में पड़ा हुआ है। एनीवेज, तो अभी हम कहाँ पे जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं जी ये क्या नाम है इसका, स्पिनरी के ऊपर अनलोड करने वंस अगेन। और यार ये मैं थोड़ा सा वाकई टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, तो तब तक मैं इसको लगा देता हूँ हार्वेस्टिंग पे, कुछ ना कुछ तो करेगी ये। वैसे भी कौन सा इसकी बेल जो है वैसे निकलने वाली है? अरे यार, अच्छा इसमें कोई हार्वेस्टर मेरे ख्याल से ऐसी नहीं होगी जो कि बैकवर्ड पे भी हार्वेस्ट करती है। वे शायद फार्मिंग सिमुलेटर 16 वगैरह में करती थी, लेकिन अब नहीं करती है। सही है भाई, अभी डेवलपर्स लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक गेम बना रहे हैं अपनी, सो डिटेल्स का भी ख्याल तो मेरे ख्याल से रखते हैं काफ़ी ज़्यादा। ओके, सो ये अभी हम सारे पैलेट्स जो है वो यहाँ पे करते हैं जी अनलोड, और इसी डायरेक्शन से फिर हम आगे निकल जाएंगे। वाह, ये अभी तैयार हुए। अच्छा यहाँ पे जो क्रॉप्स हैं ना, इनके करीब आके गाइस गेम लैग करती है थोड़ा सा, और यहाँ से निकलते ही लैग जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो बड़ा छोटा सा रास्ता रखा हुआ है इन्होंने, मैं तो जो है वो अक्सर ठोक ही देता हूँ, या लेफ्ट या फिर राइट। हैं ये क्या सिस्टम है, दो दो करके उतारेंगे क्या? सही है भाई, उतर नहीं गए सारे,
उतर गए जी। तो अभी हम इसी डायरेक्शन से चले जाते हैं टुवार्ड्स द ऑयल मिल। वहाँ से हम लोग की दोबारा से तो नहीं वैसे रुकी प्रोडक्शन इसकी, फिलहाल तो चालू है। मुझे है ना टोटली गाइस यकीन करो, आई वाज टोटली फॉरगॉट, मैं बिल्कुल भूल चुका था कि मैंने जो है वो इतनी ये कनोला, क्योंकि काफ़ी देर से मैं जो है वो ये कॉटन के सेटअप में लगा हुआ था। सो मुझे नहीं आइडिया था बिल्कुल भी कि ये जो है वो प्रोडक्शन यहाँ पे मैंने चालू कर रखी थी। सो अभी एकदम से मुझे जो है वो ये वाश करवाते वक्त जो है वो व्हीकल्स याद आया। सो इसका मतलब यह है कि व्हीकल्स को वाश करवाने का कुछ तो फ़ायदा यहाँ पे निकला। ओके इस तरफ से ही चले चलते हैं। यहाँ पे अगेन मोबाइल फ़ोन इज़ बेसिकली हीटिंग अप, और यहाँ पे इसकी ग्राफिक्स थोड़े से लो कर देते हैं। बस यार अभी मैनेज कर रहे हैं हम किसी तरह से लो और हाई के दरमियान। तो मैं फ़ोन जो है वो सोच रहा हूँ कि अपना अपग्रेड कर लूँ, क्योंकि मैंने जो है वो बड़ी कोशिश की इसको किसी तरह से एमुलेटर पे चला लूँ, लेकिन ये नहीं चलती एमुलेटर के ऊपर, पूरा एमुलेटर ही क्रैश कर देती है। एक ही एमुलेटर है जिसके ऊपर ये थोड़ी सी एडवांसमेंट शो करवाती है, लेकिन वहाँ पर भी पहले गेम क्रैश कर जाती थी, तो वो गेम क्रैश मैंने फिक्स किया तो अब एमुलेटर ही क्रैश कर जाता है। बस यही थे, नहीं करो यार ये तो बिल्कुल जोकिंग वाला सीन हो गया। मतलब ये सिर्फ 6 पैलेट्स के लिए मैंने 2 दिन स्किप किए, व्हाट द हेल। ये तो हाथ हो गया भाई हमारे साथ। ओए होए चलो कोई बात नहीं गाइस, वो उतनी देर में हमारी जो है वो टेलर शॉप ने काफ़ी जो है वो बना लिए होंगे। सो डेफिनेटली 3-4 पैलेट्स तो वो उसके बन गए होंगे अभी तक के लिए। सो अभी इनको बेचने के बाद पैसों का हिसाब रखते हुए मैं जो है वो डिसाइड करने वाला हूँ कि मैं कौन सा फील्ड नेक्स्ट बाय करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इतने से फील्ड जो है वो अभी, क्योंकि हमने कार्टन भी प्लांट कर लिए, सो इतने से फील्ड्स मेरे ख्याल से काफ़ी नहीं है, हमें ज़्यादा फील्ड अभी ले लेने चाहिए। ओके $34,000 अभी हमारे पास हो चुके हैं जी, तकरीबन 4 लाख, ठीक है। और मैं इसमें से $50,000 जो है वो रखूँगा अपना ख़र्चा, हालांकि अभी अप्रैल कोई ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। सो यस अभी जल्दी जल्दी से फील्ड बाय कर लेता हूँ गाइस, क्योंकि मेरे फ़ोन की लैपटॉप की बैटरी जो है वो बंद होने वाली है, तो मेरी कमेंट्री भी जो है उसके साथ ही बंद होने वाली है। सो कौन सा फील्ड बाय करें, ये वाला तो बहुत ही महंगा है यार, तो मेरा ख्याल था कि ये मैं ये वाला बाय कर लूं, और लेकिन देन आई थॉट कि ये वाले 2 फील्ड भी काफ़ी सस्ते हैं, ये वाला और ये वाला। सो लेकिन चलो गाइस फ़िलहाल आज के गेम प्ले में हम ये वाला फील्ड जो है वो परचेज कर लेते हैं, और अभी हमारे पास रह गए 1,44,000 डॉलर्स। सो गाइज अनफॉर्चुनेटली लैपटॉप जो है वो बंद होने वाला है, सो मुझे जल्दी जल्दी से गेम प्ले आज का रैपअप करना पड़ता है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।